नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। झांसी के मऊ रानी निवासी एक व्यक्ति ने आवेदन में ये बताया कि वे पिछले 10 वर्षों में विधवा पेंशन पा रही हूं, लेकिन पिछले 8 माह में उनकी पेंशन रुकी हुई है। जब शिकायत कर पेंशन ना आने की जानकारी चाही तो ये बताया गया है कि वे तहसील के कागजों में मृत घोषित कर दी गई है, जिससे वे पेंशन ना पाने से वंचित हो गई है। मोहल्ला पुरानी मऊ रानी निवासी मोहम्मद शमी पुत्र हसन खान ने ये बताया है कि उम्र उनकी 86 वर्ष के लगभग 10 वर्षों से विधवा पेंशन पा रही हूं, लेकिन लगभग 8 माह से पेंशन ना आने पर जन सूचना पत्र भेजकर जानकारी चाहिए तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जानकारी हुई कि कागज में मृत घोषित कर दिया गया है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही जीवित व्यक्ति को मृत किस लापरवाही से किया गया है? फिलहाल जीवित व्यक्ति अपने आप को अधिकारियों के समक्ष अपना जिंदा होने का सबूत देते हुए घूम रहा है। प्रार्थना पत्र में पेंशन बहाल करने और दोषी अधिकारियों को कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब 8 महीना हो गए, 8-9 महीने का पेंशन नहीं मिल रही हमको। आपने शिकायत की है? शिकायत की है, ATM साहब के पास गए जी। बोले हो जाएगा बस जी। तो कितने समय से घूम रहे हैं आप? हम 4-5 जगह 2 महीना हो गए। 2 महीने से? हाँ, वहीं से आया नहीं यार। जी जी, अब आप क्या चाहते हैं? अब जी ऐसा है कि हमारी मिलन लगे, बेचारा अच्छा है, पेंशन मिल जाए हमारी तो खर्चा पानी चले, विकलांग व्यक्ति बड़े हम। किन कागजों में आपको मृत घोषित किया गया था? अब ये पता नहीं अपने को बेटा। आप अधिकारियों के पास गए थे? हम नहीं गए, किसी के पास नहीं, SDM साहब के पास गए थे। क्या कहा गया था आपसे? बोले हो जाएगा बस तुम्हारा काम, बस अभी तक हुआ नहीं। अभी तक हुआ, आज गए तो बोले अभी नहीं होता है, नहीं सर ऐसे करा लेना आप।